एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू गेस व्हाट इज दिस? ये देखने से ही पता चल रहा है इसके पत्ते मुड़ गए। इट इज लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोमेटो और ये वायरस की वजह से होती है। एक वायरल डिजीज है ये और इसका ट्रांसमीटर है वाइट फ्लाई। ठीक है, मक्खी है, वाइट कलर की होती है, सिल्वरी कलर की होती है बेसिकली, और वो इसको ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट क्या होता है, मतलब वो इसको फैलाती है। पहले क्या करती है, एक प्लांट पे बैठती है, फिर उड़ के दूसरे प्लांट पे जाती है और ऐसे ऐसे करके वो ये डिजीज को ट्रांसमिट करती है। आपने अपनी फील्ड में देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसके पत्ते मुड़े हुए हैं, कुछ जो हैं वो हेल्दी हैं, और उसका रीज़न क्या है कि वाइट फ्लाई जो है अभी तक उन पे नहीं बैठी है, तो डिजीज ट्रांसमिट नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो लीफ कर्ल वायरस है ये खुद से नहीं होता, ये सीड बॉर्न भी नहीं होता है, ये प्लांट हैंडलिंग के टाइम पे भी नहीं होता है, ये प्लांट डेवरिस के थ्रू भी नहीं होता है, ये किसके थ्रू होता है, वाइट फ्लाई के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। वही इसको लेके जा सकते हैं, इस वायरस को, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो डिजीज के नाम से ही पता चल रहा है, लीफ कर्ल वायरस वायरल डिजीज है और लीफ कर्लिंग होती है, इसमें पत्ते मुड़ जाते हैं। इसमें ये तो दो टाइप की कर्लिंग होती है, मोस्टली अपवर्ड कर्लिंग होती है। अपवर्ड मींस ऊपर की तरफ को कर्ल होगा, और रेयरली होता है कि डाउनवर्ड कर्लिंग भी हो जाए। उसके अलावा ये तो पूरा लीफ है, ये तो कर्ल होगा ही, उसके अलावा इसके अंदर देखो रिंकल से आ जाएंगे। ठीक है, क्रम्पलिंग बोलते हैं उसको, क्रम्पलिंग हो जाएगी इसके अंदर, रिंकल से बन जाएंगे, वो भी इसका एक सिम्टम है। उसके अलावा क्या होता है, एक तो येलोइंग होती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पत्ते मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, सनलाइट उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब क्लोरोफिल नहीं होगा, येलोइंग होगा, क्योंकि प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, वो ठीक से सनलाइट नहीं लेंगे तो क्या, और फिर प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे ठीक से, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसका एक सिम्टम है कि ग्रोथ भी छोटी रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी उसकी, एंड अल्टीमेटली फ्लारिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी, यील्ड रिड्यूस हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी, जब फ्रूट ही नहीं लगेंगे उसमें, फल ही नहीं लगेंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स हुए इसके, लीफ कर्लिंग, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स, नॉट ओनली लीफ कर्लिंग, वो तो डिजीज में आ गया, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग, स्टंटेड ग्रोथ, और स्टंटेड ग्रोथ होगी तो बुशी अपियरेंस, ठीक है, बुश टाइप ऑफ अपियरेंस दिखेगी, बुशी अपियरेंस इज वन ऑफ इट्स सिम्टम्स, क्रम्पलिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। उसके अलावा जो वायरस है वो दो टाइप का होता है, मोनोपार्टाइट और बायपार्टाइट। साउथ इंडिया है वहाँ पे मोनोपार्टाइट टाइप का जो डीएनए ए है, ठीक है, एक ही उसका कॉम्प्लीमेंट है डीएनए का, तो उससे बना है। और जो नॉर्थ इंडिया है उसमें दोनों टाइप के डीएनए ए एंड डीएनए बी, तो वो है बायपार्टाइट। अब इसकी मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। वायरस की कोई मैनेजमेंट नहीं है, या तो पहले से प्रिवेंशन करो, या तो उसके ट्रांसमीटर को आप रोक सकते हो, जो व्हाइट फ्लाई है उसका ट्रांसमीटर, उसको आप रोक सकते हो। इमिडाक्लोप्रिड नाम से केमिकल आता है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा के पत्ते मुड़ चुके हैं, आपको पता है ये रिकवर नहीं होने वाले हैं, तो उनको अलग कर दो। ठीक है, जो इन्फेस्टेड प्लांट है, जो जिस प्लांट में बीमारी लग गई है, उसको निकाल दो। या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि उसके चांसेस हैं, मान लिया उसकी कलिंग स्टार्ट हुई है, आधा प्लांट जो है वो अभी तक ठीक है, तो आप उसकी नेटिंग कर सकते हो, उसके ऊपर नेट लगा दो, इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हो कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद, और उसकी डोसेज रहेगी 0.5 से 1 ml पर लीटर के हिसाब से। दिस वॉज ऑल अबाउट लीफ कर्ल वायरस। अब नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, विच इज टोमेटो मोज़ेक वायरस। टोमेटो मोज़ेक वायरस का कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पता क्या बनता है, इसके वेक्टर का, क्योंकि कई जगह इसको सीड बॉर्न बोलते हैं, कई जगह इसको बोलते हैं इट इज़ बाय एफिड्स। तो उसका क्या है, उसके अंदर की क्या स्टोरी है? इट्स द नेम ऑफ द डिजीज, टोमेटो मोज़ेक वायरस, पर इसके अंदर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस। तो मेन इसका टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, इसके अलावा कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस भी मैंने कहीं पे देखा था, तो वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। निकोशियाना मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं, लेटेंट मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं, इसके डिफरेंट नेम है। सो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, वो 100 ईयर्स तक वो प्लांट एवरेस्ट में परसिस्टेंट रहता है, वहाँ पे सर्वाइव करता है, मतलब वहाँ पे जिंदा रहता है। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ना, तब वो फिर से उड़ जाता है और फिर बीमारी फैलाता है। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंड कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, वो परसिस्टेंट नहीं है, वो नॉन परसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब वो सॉइल में नहीं रहता है, वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, किसके थ्रू, बाय एफिड्स। ओके, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, वो भी कॉज करता है टोमेटो में मोज़ेक वायरस,
वट इज मोजैक? मोजैक एक पैटर्न है, ठीक है, ऐसे सा लगता है ये. मोस्टली क्या होता है, दो वेन्स के बीच में स्पेस आ जाता है, तो आपको जो वेन्स 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 है ना, वो खाली रह जाएंगे और बाकी थोड़ा लाइट से डार्क ग्रीन का एरिया होगा, तो वो थोड़ा पैटर्न सा लगेगा. दिस पैटर्न इज कॉल्ड मोजैक, ठीक है. द इंटरमिंगलिंग ऑफ ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड येलो कलर जो होता है उसको मोजैक बोलते हैं. तो जो टोमेटो में वो वाला पैटर्न कॉज करता है ना, वो डिफरेंट कॉजल ऑर्गेनिज्म करते हैं. टोबैको मोजैक वायरस परसिस्टेंट है इन द सॉइल इन द प्लांट डेब्रिस, और जो कुकुम्बर मोजैक वायरस है वो नॉन परसिस्टेंट है, वो सॉइल में नहीं रह सकता, वो प्लांट डेब्रिस में नहीं रह सकता. वो किससे होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है. और कौन सा इंसेक्ट? एफिड्स. तो ऑप्शंस में कई बार आ जाता है कि टोमेटो मोजैक वायरस है वो सीड से होता है, कई जगह पढ़ते हैं एफिड से होता है. सो नाउ यू नो द आंसर कि अगर ऑप्शंस में सीड होगा, टोबैको होगा या कुकुम्बर होगा या सिर्फ टोमेटो होगा, तो वो सब हमें ध्यान में रखना है ऑप्शंस में जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं. सिम्टम्स पता चल गए, मॉटलिंग होती है, इंटरमिंगलिंग होती है, इंटरवेनल स्पेस आ जाता है वेन्स के बीच में. अल्टीमेटली कोई भी बीमारी है, नेक्रोसिस तो होगी, चाहे वो फिर फ्रूट में है. फ्रूट में एक और सिम्टम होता है मोजैक का, कि उसका जो कैलिक्स होता है, वो ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है ना टोमेटो के ऊपर, वो जो कैलिक्स होता है वो डिटैच होने लगता है फ्रूट से, और जो फ्रूट है वो भी सड़ने लगता है, उसमें ब्राउनिंग हो जाती है. उसको काट के भी देखोगे तो अंदर फिर वो ब्राउनिंग हो गई होगी, तो उसमें अल्टीमेटली नेक्रोसिस हो जाएगी, इल रिडक्शन होगा. वो तो सब में डाल दो, किसी भी प्लांट में बीमारी लगी है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी पैदावार कम होगी. फ्रूट नहीं लगेंगे तो पैदावार कम होगी, तो ये सब में ही है. मोजैक के सिम्टम्स पता चल गए, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पता चल गया, और परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट का भी पता चल गया. अब मैनेजमेंट की बात करते हैं. अगेन मोजैक इज ऑल्सो अ वायरस डिजीज, इसका कोई इलाज नहीं है पर प्रिवेंशन है. तो प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? जो TMV है, टोबैको मोजैक वायरस, प्लांट डेब्रिस में परसिस्ट करता है, तो सबसे पहले आसपास कोई प्लांट डेब्रिस नहीं होने चाहिए, अल्टरनेट होस्ट नहीं होने चाहिए. अल्टरनेट होस्ट मतलब किसी और को भी सेम कोई है जिसको अटैक करती है, वो उसका भी होस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट होस्ट. ठीक है, उस डिजीज के कोई और होस्ट है, मतलब वो डिजीज किसी और को भी अगर वो अटैक करती है. उसके अलावा जो एफिड्स हैं और व्हाइट फ्लाई है, दे ऑल आर सकिंग पेस्ट. जो लीफ कर्ल में व्हाइट फ्लाई के लिए था, एफिड्स के लिए भी वही रहेगा. इमिडा क्लोप्रेट 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसको कर सकते हो एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए. जो सीड बॉर्न है वायरस, उसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो. उसके अलावा इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, इन्फेक्शन आ गई है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको आप निकाल के फेंक दो. सो ये था मोजैक. अब नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं. जो बाकी के दो डिजीज हैं जो मैंने स्पॉट किए हैं उनको मैं एक साथ बताऊंगी. वेट, जो सेप्टोरिया और अर्ली ब्लाइट होता है ना, उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों में स्पॉट्स होते हैं. अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट एंड सेप्टोरिया लीफ स्पॉट या सेप्टोरिया लीफ ब्लाइट, तो दोनों में स्पॉट्स होते हैं. तो मुझे आपको डिफरेंस बताना है. वैसे तो मैंने पहले ही वीडियो में बना लिया था, ये मैं एक्स्ट्रा तोड़ के लाई हूँ. यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ये ऐसे से राउंड राउंड करके कंसेंट्रिक रिंग बन रही है, और जहाँ पे स्पॉट्स हैं उसके आसपास येलो हेलो है. जो पीला पीला हो गया ना उसको येलो हेलो बोलते हैं, और इसके जो स्पॉट्स हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स बना रहे हैं ऐसे करके, लीजन्स जो हैं इसके. ये होते हैं अर्ली ब्लाइट के टिपिकल सिम्टम्स. अगर आपको अर्ली ब्लाइट के बारे में जानना है तो दो हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो में. एक तो येलो हेलो होता है, जहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके आसपास का एरिया येलो होता है और कंसेंट्रिक रिंग्स बनाता है ये. और ये सेप्टोरिया है, यहाँ पे कोई रिंग्स नहीं है और न्यूमरस हैं ये, छोटे छोटे न्यूमरस स्पॉट्स हैं. ये सेप्टोरिया है. तो क्या डिफरेंस है सेप्टोरिया लीफ ब्लाइट में और अर्ली लीफ ब्लाइट में? जो सेप्टोरिया है उसके जो स्पॉट्स हैं वो ऐसे बहुत सारे सारे छोटे 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 बहुत सारे होंगे. ठीक है, ठीक है, उसका कोई रेगुलर शेप या कुछ नहीं होगा, वो बहुत छोटे छोटे न्यूमरस होंगे और ज़्यादातर वो ग्राउंड के पास जो लीव्स लगे हैं ना उनमें होगा वो. और अर्ली ब्लाइट में क्या होगा, कुछ इंचेस का डायमीटर का एक डिस्टिंक्ट आपका स्पॉट होगा ब्राउन कलर का, उसके आसपास आपका येलो हेलो होगा. और उससे भी बड़ी बात, जो टोमेटो का अर्ली लीफ ब्लाइट है ना, उसका मेन सिम्टम है बुल्स आई, क्योंकि उसका जो कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है ना, ऐसे बड़ी 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 कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है गोल 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 गोल, वो एक साथ कुलीज होके कैसा जैसे सांड की आंख होती है ना वैसा उसका अपीयरेंस देती है. और यहाँ पे अगर आपको दिखता है तो ये देख रहे हो ये वाला, ये आपका बुल्स आई का सिम्टम, कंसेंट्रिक रिंग कुलीज होके और उसके साइड में येलो हेलो. ठीक है, साइड साइड में येलो येलो है और यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रिक रिंग है. अब इसी के अपोजिट यहाँ देखो, ये देखो
बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये साइड साइड में आया है, न्यूमरस है, कोई कंसेंट्रिक रिंग नहीं है। तो इससे आप बता सकते हो कि अर्ली ब्लाइट है या सेप्टोरिया ब्लाइट है। स्पॉट्स तो दोनों में होंगे, पर स्पॉट्स दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो जो सेप्टोरिया और अर्ली है, दोनों ही फंगल डिजीजेस हैं, और फंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पाउडरी मिल्ड्यू था, वो भी फंगल था, उसमें कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, ठीक है, जिसे डाइथिन M45 है, 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे मार्केट में नए नए आते रहते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, तो आप कोई भी बोलो कि हाँ सिस्टेमिक फंजीसाइड दे दो कोई भी फंगल डिजीज के लिए, तो आपको मिल जाएगा वो। उसके अलावा इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, वो ध्यान रखना है, सारी मैनेजमेंट सेम होती है। सिम्टम्स आर द मेन फैक्टर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ टोमेटो क्रॉप, एंड टोमेटो इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। और विंटर सीजन में आप देख सकते हो जैसे जैसे उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे कॉजल ऑर्गेनिजम्स को जो जो फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है वो उभर के आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है, डिजीज की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, ठीक है, लेटेंट पीरियड बोलते हैं उसको, कि डिजीज हो चुका है लेकिन सिम्टम्स कब आ रहे हैं उस टाइम पीरियड को आप बोलते हैं लेटेंट पीरियड। ओके, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ टोमेटो। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच।